अब नशी तुम जी बसिरा अलग दोस्तों वसीम राजपूत लाल आइज़ ऑनलाइन में हज़र खिदमत है दोस्तों आज इन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें ये सुतीली आया के सुतीली वालदा के वो अपने बच्चे की हजानत का ज़्यादा हक, हक रखती है या दादी या दादा इस बारे में सवाल करेंगे क्वेश्चन करेंगे और दोस्तों लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जैसे वीडियो इधर से अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मसूल होगा और आप इस कानूनी रहनमई से मुस्त हो सकेंगे हमारे माशरे के अंदर दोस्तों ये बेतहाशा एक एक रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा कि इस लेक्चर को आगे शेयर भी किया करें बेतहाशा लोग जो मासूम हैं जिनको इस कानूनी रहनमई का नहीं पता वो जब यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो उनको ये वीडियो जब मिलेगी तो उसको फ़ायदा उनको क्या क्या होगा क्योंकि एक खिदमत खाले का सदका रही है इसका स्वाब आप लोगों को भी मिलेगा आगे सुनेंगे वो भी आगे उसको शेयर करें तो सदका रही है अब सतीली वालदा इसमें अदालतें एक सवाल दिया था आया कि सतीली वालदा अगर कोई शख्स दूसरी शादी कर लेता है या उसकी ए, ए, जो बीवी है बंदा अपनी बीवी को ए, उसकी डेथ हो जाती है या उतला को ले, ले, ले लेता है अब सुतीली वालदा के पास बच्चे हैं बंदा दूसरी शादी कर लेता है बच्चे सतिली वालदा के पास है। अब सबसे ज़्यादा आयकर सतीली वालदा बच्चे रखने का हक़दार ज़्यादा रखती है या कि उनकी दादी ये अदालती आलिया की जजमेंट है टू थाउजेंड सी एल सी वन टू सिक्स फोर इसमें ये बताया गया कि सतीली वालदा की नस्बत दादी बच्चे की कस्टडी की बच्चे की हसानत की ज़्यादा हकदार होती है और अदालत में अगर इस तरह का केस चलता है अगर दादी केस कर देती है कि वो बच्चे का जो हकदार ज़्यादा जो हक रखती है वो बच्चे की दादी रखती है सुतीली वालदा के पास उतनी कानूनी इख्तियार बहुत कम होते हैं वो बच्चे की वो स्टडी ले सके लेकिन इस साइटेशन टू थाउजेंड सी एल सी वन टू सिक्स फोर इसके तहत अगर वो बच्चे की हजानत होगी तो वो दादी रखती है ज़्यादा मोस्टली माशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह के सवाल होते हैं कि अगर कल बच्चों की वालदा की डेथ हो जाती है तो उसके बाद मर्द दूसरी शादी कर लेता है दूसरी शादी के बाद वो जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली ये होता है कि बच्चों बच्चों पर बहुत जुलम होता है और उसमें फिर वो बच्चों की जो नानी होती है नानी या नाना वो अदालत में केस कर देते हैं बच्चों की स्टडी लेने के लिए वो केस फाइल कर देते हैं तो वो कहते हैं जी अब उन बच्चों पे बहुत जुल्म हो रहा है बच्चों की स्टडी हमें दी दी जाए और इस सिलसिले में वो केस फाइल करते हैं तो उसमें मोस्टली जो अदालत में अगर सुतीली माँ अदालत में पेश होती है अगर वो दादी बच्चों की नहीं होती तो वो मोस्टली वो सुतीली माँ से वो बच्चे उसकी स्टडी जो वो नानी के पास चली जाएगी लेकिन अगर दादी हयात हैं दादी ज़िंदा है तो या, दादी अदालत में जाकर केस करके वो बच्चों की जो स्टडी होगी वो ये कह सकती कि बच्चों की स्टडी दादी के पास सतीली वालदा की बनस्बत तो दादी को ही अदालत वो देगी क्योंकि वह दादी अगर हयात है तो वो बच्चे दादी को मिल जाएंगे तो मोस्टली दोस्तों ये होता है कि जो बेटियां होती हैं वो तो माँ माँ के पास होता है अगर माँ की डेथ हो जाए तो उस सूरत में ये सिचुएशन है अगर वो जिंदा है तो फिर तो वो बच्चे अगर माइनर हैं तो वो सीधा माँ के पास ही चले जाएंगे लेकिन वो वो नहीं होगी अगर बाप दूसरी शादी कर लेता है बच्चों की सुतीली माँ आ जाती है सुतीली माँ बच्चों की वो परवरिश वो केयरिंग नहीं कर सकती जो एक सखी माँ करती है तो लिहाजा उसमें अगर नानी केस करेगी तो वो नानी को नहीं मेरे वो दादी ज़्यादा हकदार की मालक होगी तो इस जजमेंट में जो ए, बताया गया है कि सुतीली वालदा की नस्बत दादी बच्चे की कस्टडी या हसानत की ज़्यादा हकदार होती है मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा अस्सलाम वालेकुम